सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वह इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे आप लोग IRFC के नाम से जानते हो। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और RVNL दोनों शेयरों में आप लोग देखोगे आस्किंग गजब की तेजी बनी हुई है। 4.5% के आसपास अभी आपको IRFC देखने को मिल रहा है तेजी के साथ, और जो अरविंदल आज के दिन भागा वो तकरीबन 7% के आसपास उछाल पर हमें देखने को मिला। जबरदस्त तेजी अरविंदल में और IRFC में, दोनों शेयरों को लेकर मैं काफ़ी टाइम से आपको बोल रहा था देखो भाई कंसोलिडेशन रेंज में शेयर, और यहाँ से स्टॉक में जबरदस्त रैली बनना लाजमी है क्योंकि क्वार्टर वन रिजल्ट्स भी आने, और यहाँ से जो शेयर एक बार चला तो आप लोग देखोगे एक फ्रेश बाउंड्री हाई क्रिएट करेगा। आज के दिन जो शेयर है वो आप लोग देखोगे 4.5% के साथ हमें जो ना अभी तकरीबन 34.75 के भाव पर देखने को मिल रहा है। गजब की तेजी स्टॉक में बनी है और 7 करोड़ 31 लाख की वॉल्यूम हमें स्टॉक में देखने को मिली, एक हाई वॉल्यूम स्टॉक में आ जाते हुए नजर आई है। तो आखिरकार ये तेजी के पीछे का रीजन क्या है? बहुत सारे निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कि RVNL के अंदर तो जो तेजी थी उसके बारे में मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था भी तेजी क्यों बनी है। एक तो आप लोग देखोगे भी ट्रांसमैस होल्डिंग के साथ जो डील हुई थी उसको थोड़ा बहुत संशोधित किया गया है, साथ में इसको जो ऑर्डर मिले थे अरविंद को बड़े बड़े 4-5 ऑर्डर मिले थे पिछले महीने और जुलाई के अंदर, तो उन ऑर्डरों के चलते स्टॉक में गजब की रैली बनी है। ठीक है, वो तो हो गया और ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला, साथ में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में ये तेजी क्यों आई है तो चलिए आपको बताते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर काफ़ी टाइम से मैं आपको बोल रहा था कि स्टॉक में यहाँ से गजब की रैली बनेगी, आप लोग सिर्फ और सिर्फ वेट कीजिए। ठीक है, आपको मैंने सपोर्ट रेंज क्या बताई थी इसकी, 31.25 रुपये से 32.15 रुपये का मैंने इसका एक सपोर्ट रेंज बताया, और आपको ऐसा लेने के लिए बोला था 31.25 का। ठीक है, और यहाँ से हमारी बाइंग बन रही थी और हमारा जो टारगेट था, ठीक है, जब ये शेयर इस भाव पर आपको जो ना भी बार बार देखने को मिल रहा था इस लेवल के आसपास, तब आपको क्या बोला यहाँ से स्टॉक में एंट्री लीजिए, और जब स्टॉक यहाँ से चलेगा तो ये 34.20 रुपये का टारगेट तो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये होगा इसका ब्रेकआउट लेवल, और स्टॉक आज के दिन आप लोग देखोगे इस लेवल को ब्रेक किया है और ऊपर में सस्टेन किया एक हैवी वॉल्यूम के चलते, यानी कि यहाँ पर जो तेजी बनी है ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट की वजह से बनी है और कोई बड़ा रीजन नहीं है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद आप लोग देखोगे इसके ऊपर में है, तो यहाँ से स्टॉक के अप जाने के और भी चांसेस हैं। तो यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा IRFC का वो है भाई 36 रुपये का, और 36 को जैसे स्टॉक ब्रेक करता है तो फिर ये फ्रेश बाउंड भी खाई की तरफ अपने कदम रखे, जो कि पहले 27 के आसपास था ना उसको ब्रेक कर देगा। तो यहाँ से स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा लगभग 36.05 रुपये का। तो जो भी निवेशक यहाँ पर जो स्टॉक के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं आज के दिन, तो वो इसका जो आज का रेजिस्टेंस लेवल है क्या 34.20, तो ये इसे आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा करंट लेवल पर अगर एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो। अब आपको बता दें भी स्टॉक में तेजी के पीछे का रीजन क्या है, तेजी के पीछे का रीजन है ब्रेकआउट होना और कोई बड़ा रीजन है ना, तो कोई ऐसी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया ना कोई ऐसी न्यूज़ आई है। शाम तक अगर कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, या फिर कभी भी आएगी भाई, ठीक है, जैसे आएगी न्यूज़ वो आपके साथ शेयर करेंगे, और यहाँ से स्टॉक के अप जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज है, और क्वार्टर वन के रिजल्ट भी तो अभी आने बाकी है ना भाई। ठीक है, तो आप अगर चैनल को फॉलो करते हो तो ऐसे स्टॉकों से आप जो ना भी एक अच्छा मुनाफा बना सकते हो, जहाँ पर आपको पर डे लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करवाते रहते हैं। जैसा कि आप लोग देखोगे RVNL 119 के भाव पर खरीदने के लिए बोला था और स्टॉक आज पहुँचा हुआ है 36.37 के भाव पर, कितनी ज़बरदस्त रैली स्टॉक में बनी है 10-15% के आसपास गजब के रिटर्न स्टॉक ने दी है 2 दिन के अंदर अंदर, और आज आप लोग देखोगे IRFC भी गजब के रिटर्न आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला टारगेट था 34.20 का वो अचीव हुआ है, सेकंड टारगेट है भाई 36.05 रुपये का, बट स्टॉप लॉस लेना है 34.20 रुपये का। छोटा स्टॉप लॉस लियो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक में बैठे हैं वो भाई जितनी गिरावट में शेयर आपको मिले वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।